वैसे तो भ्रष्टाचार विरोधी राग अलापने वाली बीजेपी सरकार खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती नजर आ रही है। एक ऐसा ही नजारा रायबरेली जिले के रोहनिया विकास खंड के ग्राम पंचायत सलीमपुर बहरवार में देखने को मिला है, जहां ग्राम पंचायत के ही एक कथित नेता ने भ्रष्टाचार का खेल इस कदर खेला है जिसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। क्या कॉलोनी, क्या शौचालय और क्या इंटरलॉकिंग, हर जगह बस भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। जी हाँ, जरा इन लाचार गरीबों के चेहरे तो देखिए, इन्हें देखकर आपको गस्त आ जाएगा। इन गरीबों को आवास तो दिए गए, लेकिन उन आवासों के रकम का बंदरबांट किया गया। लिहाजा स्थिति यह है कि आज भी दीवार तो बन गई है, लेकिन उस पर छत डलवाने का पैसा नहीं है। जब उनसे पूछा गया तो भ्रष्टाचार की वो कहानी सामने आई जिसे देखकर आपको भी चक्कर आ जाएगा। अब जरा इस कथित नेता के चेहरे को गौर से देखिए। ये वही नेता है जिसने आवासों में खुलेआम धनुगाही की है, और तो और एक परिवार से 5,000 की मांग की कि हमें पैसे दो, हम तुम्हें आवास देंगे। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी न पैसा मिला न आवास। सुनो मंत्री नेताओं, कि आप सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए हो कि आवाम की आवाज भी सुनाई नहीं देती। अगर मोदी जी यही चलता रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सत्ता की वापसी के दरवाजे पर ग्रहण लग सकता है। क्या नाम है भैया? मुन्ना। किस कौन सा गांव है ये? सलीमपुर बहरवार। कॉलोनी किसके नाम है? पिताजी के। क्या नाम पिताजी का? रामपाल। कितना पैसा मिला कॉलोनी का मालूम है आपको? 1,20,000। 1,20,000 मजदूरी का पैसा आया? मजदूरी को हमको पता नहीं। प्रधान जी के पास कुछ जमा हुआ था? हाँ, जमा हुआ था। कितना? 10,000 तो पहले ले लिए थे जी, और उसके बाद हमको पता नहीं, अब पिताजी बता सकते हैं। 10,000 आप ही ने दिया उनको? जी। अच्छा, तो निकलवाने गए थे तभी ले लिए थे। किस बात का पैसा पता है आपको? अब पता नहीं, हमको पता नहीं। आपने उनको दिया था अपने हाथ से? हाँ। नाम है आपका? सुकांति। कौन सा गांव है ये? सलीमपुर बहरवार। ये कॉलोनी जो बनी है किसके नाम है? हमारे नाम। आप ही के नाम है? हाँ। कितने दिन पहले बनवाए थे इसको? अरे 2 साल। 2 साल। लिंटर काहे नहीं डलवाया उसने? अब डलवाओ भाभी ही। अच्छा, कितना पैसा आया था कॉलोनी का पता है आपको? अब हम प्रधान के लगे हाथ में रहा ना, अब जहाँ प्रधान जी बनवाए हैं। हाँ। अच्छा, कितना लिए हैं प्रधान जी पता है आपको? 20,000 लिए थे। अच्छा, इसीलिए लिंटर नहीं पड़ पाएगा, पैसा कम पड़ गया। पैसा कम होने की वजह से लिंटर नहीं पड़ा? 10,000 लिंटर। अच्छा, नाम है आपका? बिंदर सभी। किस गांव के रहने वाले हैं? सलीमपुर बहरवार। ये कॉलोनी किसके नाम है? बिंदर सभी। आप ही के नाम है? हाँ जी। कितना पैसा मिला कॉलोनी का अभी तक? 1,00,000। 1,00,000 कॉलोनी तो 1,20,000 आता है आपको? 1,00,000 नहीं मिला तो क्या करें हम? 20,000 किसी और ने लिया क्या पैसा? प्रधान ले चुका। प्रधान ने लिया है? कितना लिए प्रधान जी? 20,000। और क्या बता रहे थे अभी, शौचालय की कोई बात आप बता रहे थे? शौचालय में भी जी 12,000 आता था, शौचालय में हमको 6,000 मिला, 6,000 अपने घर से लगा शौचालय बनाए। अच्छा, 6,000 नहीं मिला अभी? नहीं जी। कितने दिन पहले बनवाए थे शौचालय? अरे शौचालय हो गया हमको 6 महीने हो गए। हाँ जी, साल भर हो गए लेकिन अभी पैसा नहीं मिला? नहीं जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार। कौन सा गांव है ये? सलीमपुर बहरवार। क्या मामला है बताइए? मामला यही है कि 20,000 लिया है इस कॉलोनी में। किसने? अरे प्रधान जो है वो। अच्छा, कौन प्रधान है? कॉलोनी किसके नाम आई थी? हमारी माता जी के नाम। माता जी के नाम। 20,000 रुपए प्रधान ने लिए हैं? आप ही ने दिया पैसा? हाँ जी, दिया तो है।
अच्छा, कौन है प्रधान यहाँ के? फूल करिए नाम है। अच्छा, पैसा किसको दिए हैं आप? संदीप कुमार है ना उनके। संदीप कुमार रहने वाली हूँ, सलीमपुर बहर। क्या हुआ, कॉलोनी में आपको मिली है आपके परिवार? जी नहीं, प्रधान को 5,000 दिए थे, दो साल हो गए, अभी नहीं दिए, बोल रहे थे दे देंगे लेकिन जल्दी से अभी नहीं दे। अभी 2 महीने के 3 महीने हुए थे, बोल रहे थे कि आ गई कॉलोनी, फिर बोलेगी अभी नहीं। नहीं तो पैसे आपके वापस हुए? अभी नहीं। किस बात को लेकर पैसा लिया था उन्होंने? यही कॉलोनी के। कौन है प्रधान यहाँ का? यहाँ सराय का। कौन? वो भैंसा सुरन, वो नाव है। क्या नाम? संदीप। महिला प्रधान है कि पुरुष है आप प्रधान? नहीं वो महिला, मतलब ठीक। क्या नाम है आपका? गौरी बता तू। कौन सा गांव है? बोले जाए बहरवा। कॉलोनी किसके नाम है? हमारी। आप ही के नाम है? हाँ। कितना पैसा मिला कॉलोनी का अभी तक? अरे 1,00,000 मिला जी, और 20,000 वो नहीं मिला। 20,000 क्यों नहीं मिला? प्रधान लेन सबसे लेन तो हम लोग। अच्छा, आपसे भी लिया 20,000? किस बात का पैसा है पता है आपको? हमको नहीं मालूम। किस बात का पैसा लिए है आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, प्लास्टर क्यों नहीं करवाया? अभी नहीं कराया, जुगाड़ होगा नहीं लगा, शादी ब्याह करेगा। पैसा कम पड़ गया? हाँ, यही में कर्ज होगी ना, घर से लगा है कुछ उधार। क्या नाम है आपका? नाम वही लिखा है, पढ़ लिया। आपका क्या नाम है? हमारा? हाँ, हमारा नाम है राजकुमारी। कौन सा गांव है? बहरवार। कॉलोनी किसके नाम है? हमारा नाम है। आप ही के नाम है? हाँ। कितना पैसा मिला कॉलोनी का? 20,000। 1,00,000। 1,20,000। हाँ। प्रधान जी को कितना दिए थे? हाँ? प्रधान जी कितना लिए हैं? प्रधान जी जाना 20,000 लिए। 20,000 लिए। हाँ। किस बात का पैसा है पता है आपको? अब इतना तो भाई हम पढ़े तो है नहीं। हाँ। कि हम बता दे जो वही उस हिसाब से जी। अब जब ना जब हमने हमको नहीं पता, जब देने तब जानी थी। अच्छा, प्लास्टर क्यों नहीं करवाए? प्लास्टर जब करा हुआ नहीं बन तो हम क्या करिए, कहे तो नहीं, कहा तो पैसे नहीं बचा। अभी हम अगर लिंटर ढिला नहीं कहा था, लिंटर कित लिंटर पड़ते हैं। किस गांव के प्रधान हैं आप? सलीमपुर। कितने आवास आपके यहाँ आए हैं और शौचालय कितने आए हैं? आवास कितने आए हैं प्रधानमंत्री आवास? अरे अब आवास तो संदीप बता सका तो करा थी ना, तो नहीं पता। कौन है ये संदीप? नाव। नाव है, मतलब आपकी कौन है ये? देवर हैं। तो प्रधान वही करते हैं क्या? आपके वाले मतलब प्रधान ऐसे हैं, नाम की काम वही करते हैं पूरा? अच्छा, साइन वगैरह कौन करता है? अच्छा, केवल प्रस्ताव पे आप साइन करती है, बाकी आपको कुछ पता नहीं है? अभी पता का जो कुछ आवत तो जानकारी बतावत। जो लोग आवास पाए हैं लाभार्थी, उनका आरोप है कि आपने हर आवास पे 20,000 रुपए ले लिए हैं, और लोगों के आवास अभी भी अधूरे पड़े हैं। सुविधा शुल्क है क्या आपकी? ये जो 20,000 रुपए लिए जाते सुविधा शुल्क है ऊपर अधिकारियों को देने के लिए? अब ये पता नहीं दिया है। हम को पता नहीं, नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि भाई प्रधान जी को दिया जाता है बिना दिए कोई। एक और है कि उससे आपने 5,000 रुपए ले लिए, उसका आवाज आज तक आया ही नहीं। जवाबदेही या जिम्मेदारी किसकी होगी प्रधान? आप तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अरे हमारे बना तो आपके यहाँ वसूली करवाई जा रही है और लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। आपको पता नहीं है? सारा समय लाइव टीवी के लिए विपुल शुक्ल की रिपोर्ट।